लॉर्ड ऑफ यू है स्ट्रैटी तो बना ली क्वॉंट के क्लासेस भी चालू कर दिए सर एल आर डी आई के लिए कोई स्ट्रैटी बता दीजिए जो हमें आईपी मैट और जिप मैट में हेल्प करे सो हियर आई एम टू टॉक अबाउट अ क्विक स्ट्रैटी ऑन एल आर डी आई फॉर आई पी मैट एंड जिप मैट लेट्स गेट दाई नेम इज अमित सुराना आई एम योर क्वॉंट्स एंड डी आई एल आर एक्सपर्ट और आज हम बात करने वाले हैं हाउ डी आई एल आर फॉर आई पी मैट इज अ लिटल डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स लाइक एंड हाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स एंड वॉट योर स्ट्रैटेजी शुड बी विद दैम राइट सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक्स दैट टॉपिक इन आई पी मैट राइट सो यू नीड टू अंडरस्टैंड की लॉजिकल रीजनिंग आई पी मैट इंदौर में नहीं है राइट आईपी मैट रोहतक मेंट सेक्शन फॉर लॉजिकल रीजनिंग

कि फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट वो किस डायरेक्शन में है राइट right? क्या वो नॉर्थ में है क्या वो साउथ में है वैसा देन द अदर काइंड ऑफ क्वेश्चंस कुड बी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वेयर यू यूज पाइथागोरस थ्योरम इनके अलावा देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो दैट आर आस्क्ड इन डायरेक्शंस जो व्हिच आर बेस्ड ऑन शैडोज यस

I'll tell you that X is the uh, father of Y, Y is the brother of Z, Z is the sister of uh, X. Uh, so, how is X and W related? Something like that, right? So, that's blood relations. Okay, you have the second type of question where there is introduction based introducing a person in the photograph. X said to Y that he is the father of the brother of the sister of the mother of the uncle.

राइट right? इसके अलावा देर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोइंसिडेंसेस इंसिडेंसेस के आवर एंड और मिनट एंड कितनी बार कोइंसाइड करेंगे देर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गेन एंड लॉस राइट के कोई घड़ी अगर एवरी आवर अगर पांच सेकेंड फास्ट है एवरी आवर अगर पांच सेकेंड फास्ट है तो एक दिन में कितना गेन कर रही है एंड सो ऑन सो फॉर इसके अलावा यू हैव क्वेश्चन फ्रॉम कैलेंडर्स डर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं देंगे डे या फिर कोई रेफरेंस दे देंगे ऐसा कुछ राइट अपार्ट फ्रॉम दैट सो कैलेंडर्स बेसिकलीस काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे लीप यर Uh, और ऑर्डिनरी और नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं ठीक है नेक्स्ट वी हैव सीरीज सीरीज तो में आता है आपका नंबर सीरीज यस यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न होता है यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न नंबर सीरीज लेटर सीरीज एल्फा न्यूमेरिक सीरीज स्पेशल कैरेक्टर सीरीज राइट ये सब आता है सीरीज में इसके बाद आता है कोडिंग डी कोडिंग जहां पे दे टेल यू दैट If BAT bat is written as CBS, then what is the uh, code for uh, DOG dog? Right, that's a -S -S -E type of question. These are coding decoding. Now, coding decoding method are difficult be ja when they go to something called crypt arithmetic. But rest assured, crypt arithmetic is way too advanced for uh, IPMAT Rothak or for IPMAT or for JIPMAT. Next, we have syllogs, syllogisms. क्वेश्चन आते हैंट इज दलूजन फॉर इट्स राइट सो देस और उनके क्या कंक्लूजन है पूछेंगे उसमें हमें ढूंढने होंगे कौन से कंक्लूशन डेफिनेट है कौन से कंक्लूजन्स पॉसिबल है विच कंक्लूजन फॉलो विच डोंट दट बेसिकली आर टास्क राइट सो ये सिलोजिसम्स जो है यू कैन यू नो सॉल्व इट विद्प ऑफ वेन have questions based on ranking. yes uh, let's say in a queue in a queue if uh, x is standing uh, to the uh, you know uh, on the fifth of the fifth from the left and y is standing uh, at uh, from uh, eighth of the right then how many people are between them questions like that yes we <clears> team formation k questions k there will be different conditions for people to be in a team right so uh,

they'll give you four, uh, you four four know things which are out of the four, three will will be be alike and one will be odd out of it right तो so, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा next you have cubes and dice क्यूब्स में क्वेश्चन आते हैं अगर कोई uh, let's say, एक सॉलिड क्यूब लेते हैं और उस पर पेंट करते हैं दो ऑपोजिट फेसेस आर पेंटेड रेड टू ऑपोजिट फेसेस आर पेंटेड ब्लू एंड द रिमेनिंग टू फेसेस आर पेंटेड ग्रीन and if they are cut into these many pieces, 125 pieces, then how many smaller cubes, how many pieces will have, uh, uh, you know, how many smaller cubes will have all the faces painted, three faces painted, two faces painted, one face painted, or no face painted? how many would have red on them? how many would have only green on them? these kind of questions. and then in dice, <coughs> dice matake dice matake a 2d representation, de दे

इसके अलावा वी हैव गेम्स एंड टूर्नामेंट्स यहाँ पे कोई गेम चल, चल रहा है इट्स अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट वेर एवरी टीम गेट्स टू प्ले विद अदर टीम वंस या नॉकआउट चल रहा है कि एक टीम दो टीमों के बीच में अगर मैच हो रहा है एंड दे आर आउट ऑफ द लीग राइट दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट या देर कुड बी सम गेम्स बेस्ड ऑन पॉइंट्स या आर्चरी गेम कोई चल रहा है कि अगर यहाँ पे हिट करे तो इतने पॉइंट्स है बुलजाई पे हिट करे तो इतने पॉइंट्स है बुलजाई पे हिट करने पे यू गेट अ बोनस राउंड ऑफ क्वेश्चन बी तो आपको किसी का वैल्यू ढूंढना पड़ जाएगा यू हैव थ्री सेट डायग्राम्स वेर यू है फिर ए और बी का इंटरसेक्शन हो रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन हो रहा है ए और सी का इंटरसेक्शन हो रहा है और तीनों ए बी सी का इंटरसेक्शन हो रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट

इन डेटा इंटरप्रिटेशन देर विलडार चार्ट समिंग उस डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे एंड डेटा सफिशियंसी इज वेर यू हैव वन क्वेश्चन गिवेन एंड देर विल बी टू स्टेटमेंट गिवेन टू अस हमें ये ढूंढना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन से स्टेटमेंट से वी कैन गिव स्टेटमेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन और स्टेटमेंट टू अलोन बी आड टू आंसर द क्वेश्चन और बोट टूगेदर इज ऑल्सो नॉट सफिश टू आंसर द क्वेश्चन राइट सो डेटा सफिशियं में यू गेट क्वांट बेस्ड क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन एनीथिंग ठीक है तो so, ये सब कुछ आता है एल आर में अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज वर्बल रीजनिंग ऑल्सो ंग yes, में क्या आता है देर विल अटेटमेंट गिवेन टू यू एंड कंक्लूजन एंड यू हैव टू फाइंड या तो आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दे देंगे आपको असम्पन ढूंढना के ऑन वॉट बेसिस है स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन और दी अदर वे अराउंड स्टेटमेंट दे माइट गिवशन आउट ऑफ इट राइट सो दीज आर दॉपिक्स ठीक है दीज आर दॉपिक्स

यस एंड वर्बल का क्वांट का एंड वर्बल का इंटरसेक्शन है यस क्वांट और वर्बल का इंटरसेक्शन है आपका डी आई एल आर दैट मीन्स अगर आपको डी आई एल आर में अच्छा होना है कंफर्टेबल होना है आपको क्वांट में अच्छा होना पड़ेगा यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांट यस आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये जानना पड़ेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो आंसर नंबर सीरीज लेटर सीरीज वाले क्वेश्चंस केयरफुली यस आपको परसेंटेज क्या होता है परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है रेवेन्यू क्या होता है प्रॉफिट क्या होता है दैट यू नीड टू नो फॉर यू टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डी आपको बेसिक नंबर्स के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए कि अगर आप दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो इट लीड टू एन इवन नंबर यस दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नंबर आएगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू नो फॉर यू टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पजल्स क्वेश्चन अरेन्जमेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सफिशियंसी राइट तो आपको क्वांट में तो कंफर्टेबल रहना ही पड़ेगा इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ क्वांट देन डी आई एल आर विल सीम वेरी वेरी फार टू अस राइट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वर्बल में भी कंफर्टेबल रहना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज इन द सेट जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज है वो आपको समझ में आना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन है और वहां पे कोई कंडीशन दे रखा है और आपको ये कंडीशन क्या है उसका एग्जैक्ट मतलब ही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैसे अरेंजमेंट बनाएंगे येस yes? या यह ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ विल आई बी एबल टू And a lot of times the conditions will be based on some basic rules of grammar. Yes? Some basic rules of grammar. For example, X is sitting next to Y, who is sitting to the opposite of Z. Yeah?

सेम वे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब बोला कि y, जरूरी है कि यहां पर होगा और वाई यहाँ पर होगा कैन इट नॉट बी दैट वाई इज हियर एंड एक्स इज हियर यस तो ये सब जो सिंपल सिंपल चीजें हैं जो नॉर्मली पीपल एक्सपेक्ट जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो एक्सपेक्ट करते कि आपको पता होना चाहिए बट अब अगर हम ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक कर रहे हैं आप कितना भी कॉन्ट के कॉन्सेप्ट को एल आर के कॉन्सेप्ट को डी आई के कॉन्सेप्ट को पढ़ लो समझ लो बट यू स्टिल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज लैंग्वेजल तो आपको वर्बल में तो कॉन्फिडेंट बनना ही बनना पड़ेगा स्पेशली एस्पेशन इट गोज टू वर्बल बेस्ड रीजनिंग राइट जैसे मैंने बोला कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड देर आस्किंग फॉर कंक्लूजन और असमशन यस देर आस्किंग फॉर प्लान ऑफ एक्शन दे आर आस्किंग फॉर देल क्या बोलते एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन यस जहां पे दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर एग्जाम्पल दे आर गिविंग यू हंग्री इमिस्ट देन वॉट इज एंग्री ये अब आपको पता तो होना चाहिए भाई के हंगरी और फैमिस्ट में क्या रिलेशन है अगर मेरे को हंग्री और फैमिस्ट का रिलेशन ही नहीं पता मैं एंग्री का क्या आंसर करूंगा आई यू गेटिंग दिस ऑल दो ये ऑप्शन रहेंगे इसमें ऑप्शन रहेंगे बट विच वन विल यू सेलेक्ट सो देर आर मल्टीपल ऑप्शन ए यू हैव पैसिफाइड यस बी यू हैव इन डिफरेंट यस सी यू हैव प्यूरियस हा डी यू हैव नॉइड विच वन वुड मैच तो ये चलो आंसर क्या है वो मैच करने के पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हंगरी और फैमिस्ट में क्या रिलेशन है डज इट मीन के हंगर को मिटा देने मिटाने के बाद फैमिस्ट है इज दैट केस और हंग्री का कोई हायर डिग्री है फैमिस्ट सिम है एंटनिम है हायर डिग्री है लोअर डिग्री है

अपने आंसर के बीच में होना चाहिए तो आपका एल आर अच्छा है बट आपका वर्बल अच्छा नहीं है यस सेम वे यहाँ पे आपको पता तो है अरेन्ज करना है बट क्या कैसे अरेन्ज करना है नहीं पता क्यों आपका लैंग्वेज स्किल्स अच्छा नहीं है सो so, इन ऑर्डर टू गेट कंफर्टेबल विद डी आपको में अच्छा होना पड़ेगा क्योंकि yes? so, right <coughs> आप जब वर्बल करें तब डोन्ट सिंपली डू द यू नो दंस दैट आर रिक्वायर्ड यही जरूरी है बस यही करेंगे यस yes? में जब आप क्वॉन्ट करें सिंपली जस्ट फोकस ऑन हाँ फॉर्मूला रट्टा मारेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा फटाफट लगाएंगे चलेंगे बिकॉज देन फिर डी आई एल आर में अटक जाएंगे मैं इसे दो पार्ट में स्प्लिट करने वाला हूँ बिकॉज अपने जो स्टूडेंट है वो भी टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है वन जिनका अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है yes, जिनका अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है

चेस खेलो क्रॉसवर्ड करो वर्डल करो हो पाएगा नहीं हो पाएगा दिक्कत होगा राइट तो फॉर यॉर यूल वॉट आई वुड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है <coughs> जो बेसिक है मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए इनके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें गो थ्रू करें यस yes? डायरेक्शंस में क्या क्या डायरेक्शंस होते हैं व्हाट आर द प्राइमरी डायरेक्शंस व्हाट आर द सेकेंडरी डायरेक्शंस अगर कोई साउथ की तरफ जा रहा है और लेफ्ट मुड़ रहा है तो वो कैलकुलेटर के, के बेसिस पे किसी को किसी का वैल्यू ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे यस yes. तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक कैलकुलेशन है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सब करो यस yes. फोकस ऑन दोस्त तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करो वॉट द लेक्चर्स फॉर दिस ट्राई एंड सोल्व सम बेसिक लेवल क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग होता रहा इसके अलावा सो राइट नाउ आई थिंक ओनली फॉर बट जब भी आपको ट्राई क्वेश्चनिंग अभी के लिए ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस इज अंटिल योर बोर्ड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम तक जब भी टाइम मिले चलो पांच दस क्वेश्चन लगा लिए जब भी टाइम मिले एक एक आज कोई सेट सॉल्व कर दिया कोई डीआई का कोई चार्ट देख कर लिया राइट डू दैट दैट वे आपका प्रैक्टिस नहीं छूटेगा और बोर्ड एग्जाम के बाद अचानक से धम करके आके नहीं गिरोगे यू विल हैव सम कि सेव बॉस उस टाइम पर भी हम कुछ तो प्रिपेयर कर रहे थे सो वी आर सेफ नाउ वी जस्ट नीड टू बिल्ड ऑन इट तो तब आप अगर आप फिफ्टी परसेंट पे हैं तो फिफ्टी परसेंट को हंड्रेड परसेंट एफर्ट्स में कन्वर्ट करना इज ईजी बट अगर आप जीरो परसेंट पे हैं, और अचानक से आपको हंड्रेड करना पड़े दैट्स वे टू मच प्रेशर ठीक है तो राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स बेसिक कॉन्सेप्ट करो फोकस ऑन द वेरी बेसिक स्टैंडर्ड स्टफ ऑफ दिस फोकस ऑन क्या क्या कॉन्सेप्ट आने चाहिए क्या क्या थियोरीज है क्या क्या यू नो ब्लड रिलेशन में अब अंकल किसको बोलते हैं आंट किसको बोलते हैं ये सारी जो चीजें हैं वो स्टैंडर्ड बेसिक्स है राइट फोकस ऑन दैट एंड वेन एवर पॉसिबल ट्राई प्रैक्टिसिंग डीबीपीज हैं उनसे प्रैक्टिस करो कोई अगर आपके पास बुक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करो एल आर एल आर है है this, इसके बाद आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे yes. अब आपको एल आर को बिल्ड करना है यू हैव टू बिल्ड योर एल आर यस तब आप क्या करोगे विल ट्राई डूइंग वन ऑफ दीज राइट कोई ना कोई अ रेगुलर बेसिस ट्राई डूइंग समेली कैसे कैसे puzzles कर सकते हो सुडोकू कर सकते हो दिसकल रीजनिंग you yes. कर सकते हो क्रॉस वर्ड आपको वर्बल में हेल्प करेगा इट विल ऑल्सो हेल्प यू विथ लॉजिकल रीजनिंग राइट हाँ चलो कोई फाइव लेटर वर्ड है और इसका मीनिंग है तो मेरे दिमाग में कोई फाइव लेटर नहीं आ रहा सिक्स लेटर आ रहा है सेवन लेटर आ रहा है तो उसके अपन सिनोनिम्स ढूंढ रहे हैं और फिर सिंस दिट्स ऑल्सो एन अरेन्जमेंट यहाँ, यहाँ पर ये लेटर आएगा तो सेकेंड लेटर शुड बी एक्स तो क्या वर्ड हो सकता है एक्सक्लूड हो सकता है वट एवर राइट क्रॉस वर्ड इसके अलावा इज दिस वन गेम कॉल वर्डल है ना वर्डल है जो न्यूयॉर्क uh, टाइम्स का है इट्स अ फ्री गेम दैट यू कैन प्ले ऑन योर फोन और कंप्यूटर वेर एवर ब्राउजर पे जाओ बस टाइप एन बाई वर्डल राइट वो न्यूयॉर्क टाइम्स के वर्डल पेज में आपको लेके जाए बहुत ही फन गेम है बहुत ही सिंपल गेम है

खिला yes, होगा या देखा होगा राइट दिस इज बेसिकली मैट्रिक्स होता है वहां पर राइट हिडन टाइल्स होते हैं और यू हैव टू फाइंड आउट फ्लैग करना आपको कि गिदर -गिदर है आपको नीचे बॉम्ब छुपे होते हैं राइट दीज काइंड ऑफ पर्जल्स यू कैन डू ऑन डेली बेसिस जो आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड दैट यू नो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी इसके अलावा यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रिवियस योर क्वेश्चन येस यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन डूइंग समाई लेवल क्वेश्चन ऑल्सो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी करना चालू कर लो यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे यूल गुड फ्लो यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज हैिंग राइट थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आता है यू विल है अबिलिटी टू टैकल इट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के जो स्पेसिफिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन पे ध्यान देंगे ट्राई प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन पजल्स करेंगे रोज एनी ऑफ दिस इनमें से इनके अलावा भी अगर कोई दूसरा यू नो कोई दूसरा पजल है यू कैन गो एंड डू दैट यस इसके अलावा गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हाई लेवल क्वेश्चन

I hope this video was helpful. All the very best, guys. Cheers.